नमस्कार, खबर समय चौकत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलाबगंज में कई ग्रामों के सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर गुलाबगंज थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की, ग्राम संतापुर पठार में बसे पारसी समुदाय द्वारा छेड़छाड़, मारपीट, लूटपाट की घटना को आए दिन अंजाम दिया जाता है एवं राहगीरों से अड़ीवासी कॉलेज की छात्राओं को देखकर अश्लील हरकतें, ग्रामीणों द्वारा समझाइश दी जाने पर पारसी समुदायों की महिलाओं द्वारा ग्रामीण पर रेप केस लगाने की धमकी दी जाती है और गुलाबगंज रेलवे स्टेशन पर डेरा जमाए रहते हैं एवं भारी लोगों का सामान और पैसे लूटते हैं। इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाल ही में ग्राम पवई निवासी लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर सामूहिक रूप से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ज्ञापन सौंपने वाले के ग्रामों के नाम संतापुर, पिपरिया, मुंगवारा, हाटखेड़ा, चित्रयन, मुंडरी, चक, रघुनाथपुर, पवई, हिनौदा, खुजरहार, उत्तमा खेड़ी इत्यादि ग्रामीण के लोग आए थे। की बात है, नवे के दिन की बात है। एक दंपत्ति जोड़ा जो कि पवई का रहने वाला था, संतापुर से गुजरती हुई जा रहा था। संतापुर पे कुछ पारदी लोग रहते हैं। पारदी मतलब एक क्रिमिनल क्रिमिनल लोग ही मानो उनको, क्रिमिनल लोग वहाँ पर रह रहे हैं। उन लोगों ने एक किसी भी घटना के बहाने उन लोगों से मारपीट की। एक लड़ मतलब पति पत्नी एक दंपत्ति जोड़ा था, दोनों के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद भी जो महिला थी, शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है। शायद उसको अंदर भी ले गए, क्या हुआ है वो आगे जांच के बाद पता पड़ेगा। उसके अलावा रात को जो भी वहाँ से लोग निकल रहे हैं उनके साथ मारपीट हो रही है। कल रात को भी कुछ लोग निकले, उनके पास डंडे बरसाए गए, उनसे मारपीट हुई। तो लगातार क्षेत्र में ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। आज गुलागंज क्षेत्र के समस्त गाँव के लोग, आसपास के, उन पारदी लोगों के खिलाफ यहाँ ज्ञापन दिया है और यहाँ के बाद हम SP साहब के पास भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन पे जड़ से उनको बिल्कुल खत्म करने का काम किया जाए, जड़ से उनका काम किया जाए। आज जो कि गुलाबगंज थाने में जो पारदी पारदी जिसे हम मोगियाई बोलते हैं, उन्होंने नवे के रोज दशहरे एक दिन पहले जो घटना की, इसके बाद लगातार घटनाओं पर घटना कर रहे हैं। आज से कम 10 साल से ये लोग पूरे लोग चोरी करते हैं। इन पर एक एक आदमी को 10-10, 20-20 मुकदमे हैं। इनमें चोरी के लेके सब आसपास विदिशा में जो भी चोरी पकड़ाई उसमें इनका ही हाथ था। और बगल में इनके बगल में कॉलेज है जहाँ की हमारी बच्चियाँ जाती हैं, उन बच्चियों को निकलना दुश्वार है। अगर एक दो बच्ची आती उनको लूटते हैं और इनकी महिलाएं आंग करके और पहले ही झूठी रिपोर्ट करने के लिए वो थाने भेज देते हैं। इनसे पूरा गुलाबगंज क्षेत्र त्रस्त है और गुलाबगंज स्टेशन पर जिनका डेरा सुबह से रहता है वो पूरे स्टेशन में जो भी ट्रेनें निकलती हैं उनमें पहले जेब काटने का काम करते हैं। जेब काटने का व्यापारियों को परेशान करते हैं। व्यापारियों के अलावा पूरी नक्सलाइट है इनमें, नक्सलाइट, और जो बाहर के लोगों को बुलाते हैं वो आंगे हो जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। इनके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। आगे भी हम माननीय SP साहब के लिए ज्ञापन देंगे और समस्त सरपंच संघ और समस्त जनता। समय जगत न्यूज के लिए चंद्रवन रतोसिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।